नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल जीवन के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप सभी जानते हैं। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ। जन्म स्थान वडनगर, जिला महसाना, गुजरात। पिता दामोदर दास मूलचंद्र मोदी, माता हीराबेन मोदी। विवाह जसोदाबेन के साथ। नरेंद्र मोदी का जीवन। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर के महसाना जिले में पसारी परिवार में हुआ। उनका परिवार मोड़ गची तेली संप्रदाय से संबंध रखता था, जो भारत सरकार के इतर पिछड़ा वर्ग में आते हैं। वो दामोदर दास मूलचंद्र और हीराबेन मोदी को हुए 6 बच्चों में से तीसरे थे। बच्चे होने के नाते नरेंद्र मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे और कुछ समय बाद मैं अपने भाई के साथ बस स्टैंड के पास खुद का चाय का स्टॉल चलाना शुरू किया। उन्होंने अपने उच्च माध्यमिक शिक्षा 1967 में वडनगर से ही प्राप्त की। उनकी शिक्षा उनके बारे में बताए कि वे एक साधारण विद्यार्थी थे, एक जबरदस्त वाद विवादी थे। वाद विवाद में उनकी वाक्पटुता के लिए शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित भी किया। मोदी नाटक बनाते समय कोई ऐसा भूमिका निभाते थे जो उनके जीवन से भी बड़ा हो, और इसी का प्रभाव उनके राजकीय जीवन पर भी पड़ा। मोदी जी ने 8 साल की अल्पायु में आरएसएस के साथ स्थानीय शाखाओं में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहना शुरू किया, और वहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई, जो वकील साहब के नाम से भी जाने जाते थे, जिन्होंने मोदी को आरएसएस का बाल स्वयंसेवक भी नियुक्त किया और वे मोदी के राजकीय सलाहकार भी बने। जब मोदी आरएसएस में अपना प्रशिक्षण ले रहे थे, तब वे वसंत गजेंद्रगढ़कर और नाथालाल जलंदा भारतीय जनसंघ के नेताओं से भी मिले, जो बाद में गुजरात में 1980 में बीजेपी के सदस्य बने। और कम उम्र में ही उनका स्थानीय लड़की जसोदाबेन के साथ विवाह कर दिया गया। नरेंद्र मोदी उसी समय हाई स्कूल से स्नातक हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने इस विवाह को अस्वीकार किया, और कुछ पारिवारिक उलझनों की वजह से 1967 में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने 2 उत्तरी और उत्तर पूर्व की यात्रा करने में व्यतीत किए। साक्षात्कार में मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम का भी उल्लेख किया, और साथ ही कोलकाता के वैल्यूर मठ और अल्मोड़ा के अद्विता आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन का भी उल्लेख किया। हर जगह पर बहुत कम समय तक ही रुके थे, क्योंकि उनके पास कोई महाविद्यालयीन शिक्षण नहीं था। वे 1968 में वैल्यूर मठ पहुँचे और जल्दी वहां से निकल गए, और मोदी ने सबसे ज़्यादा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल और असम और गुवाहाटी के रास्तों पर यात्रा की, और फिर अंत में वे अल्मोड़ा के रामकृष्ण आश्रम गए, जहां उच्च शिक्षण ना होने की वजह से उन्हें दोबारा निकाला गया, और फिर वे दिल्ली और गुजरात होते हुए 1968 और 69 में वापस गुजरात आए। कभी कभी वे 1971 नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन काल 1971 में आरएसएस ज्वाइन करने के बाद राजनीति को ही समर्पित किया। 1975 और 77 में जब राजनीतिक झगड़े चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्यों में आपातकाल घोषित किया और आरएसएस जैसी संगठनों को बंद करने को कहा। तब मोदी ने गुप्त रूप से एक पुस्तक लिखी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति को वर्णित किया था। 1978 में
मोदी दिल्ली से राज्य शास्त्र में स्नातक हुए और गुजरात यूनिवर्सिटी में उनका मास्टरी का काम भी 1983 में ख़त्म किया। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में भी वे दिन व दिन आगे बढ़ते गए और सामाजिक हितों के कई काम उन्होंने बीजेपी में रहकर किए। उन्होंने बिजनेस के बिजनेस को बढ़ावा दिया। 1995 में मोदी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 1998 के चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। फरवरी 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे, आने जाने वाली ट्रेन पर किसी ने अटैक किया जो कथित रूप से मुसलमानों ने किया था और बदले के प्रतिशोध इरादे से गुलबर्ग के मुसलमानों पर भी हमला किया गया। इस तरह हिंसा बढ़ी गई। इस वजह से मोदी सरकार को उस समय कर्फ्यू की घोषणा करनी पड़ी। उस समय बाद दोनों ही समुदाय में शांति की स्थिति आई और तब मोदी सरकार की कई लोगों ने पूरे देश में आलोचना की, क्योंकि उस हमले में 1000 से भी ज़्यादा मुस्लिम मारे गए थे। मोदी के विरुद्ध जब 2 जांच कमेटी गठित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मोदी के विरुद्ध कोई गवाह नहीं है जिससे उन्हें दोषी ठहरा सके, और बाद में मोदी 2007 और 2012 में पुनः गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और तब से मोदी हिंदुत्ववादी बातों पर कम और आर्थिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। गुजरात के विस्तार और प्रगतिशील होने का श्रेय आज भी मोदी को ही दिया जाता है। आज उनका गुजरात मॉडल पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने गुजरात से गरीबी हटाकर वहां कामकाज को बढ़ावा दिया। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, जहाँ कई लोगों ने पहले से ही उन्हें भारत का प्रधानमंत्री मान लिया था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि मोदी में भारत की आर्थिक स्थिति बदलने और भारत का विकास करने की ताकत है। और अंत में मई 2014 में उन्होंने उनकी बीजेपी पार्टी में लोकसभा चुनाव 534 में से 282 सीट प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, और इसी जीत के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया, जो पिछले 60 वर्षों से भारत की राजनीति को संभाल रही थी। और भारतीय जनता ने उस समय दिखा दिया था कि वे उस समय मोदी के रूप में भारत को बदलाव लाना चाहते थे। 2014 के फेमस नारे, अब की बार मोदी सरकार एंड अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, शेयर करें अपने दोस्तों और